ताइवान की रक्षा को यूएस ने भेजे दो जंगी जहाज। चीन के संभावित हमले को लेकर यूएस अलर्ट पर। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बढ़ा तनाव। अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए अपने दो जंगी जहाजों को ताइवान सागर की ओर भेज दिया है। बीते कुछ दिनों से चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर उकसावे के लिए मजबूर करते देखे जा रहे हैं। चीन चाहता है कि ताइवान उसकी घुसपैठ से परेशान होकर कार्रवाई करे, इसके बाद चीन ताइवान पर हमला करेगा। चीन ताइवान को उकसाने की कोशिश तब से कर रहा है जब अगस्त के शुरुआती दिनों में अमेरिका की तीसरी बड़ी नेता नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी। इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने साफ साफ कहा था, अमेरिका आग से ना खेले। दरअसल चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। अमेरिका और ताइवान के बीच मित्रता के कारण ही अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा की गारंटी ली है, यानी किसी भी संभावित हमले पर अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन और ताइवान के जंगी जहाज आमने सामने हैं। इससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के जहाज आमने सामने हैं। इसी बीच चीनी सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा कि योजना के अनुसार एक साथ जमीनी और हवाई हमले के अभ्यास में दक्षता के अलावा तालमेल को परखने का काम अब पूरा हो गया है। उधर ताइवान के पीएमओ ने कहा कि देश के सीमावर्ती इलाकों में चीनी सेना हटी नहीं है, इस कारण चीन की ओर से हमले की आशंका बनी हुई है। ताइवान किसी भी प्रकार का विवाद नहीं बढ़ाना चाहता। संयम से अपनी आज़ादी के अलावा हम लोकतंत्र और संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीन के 14 जहाज और 20 विमान ताइवान की घेराबंदी किए हुए हैं। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के समय चीन ने चेताया था कि अमेरिका के कारण ताइवान के बीच युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। चीन की इस धमकी के बाद अमेरिका की ओर से कहा गया कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिका ताइवान की हर कीमत पर रक्षा करेगा। बाइडेन प्रशासन ने चीन की धमकी का जवाब देते हुए ताइवान के पूर्व में 4 वॉरशिप भेजे थे, इसके बाद अभी 2 वॉरशिप और भेजे हैं।